सियाहती मकाम नारान, बर्फबारी के बाद बंद। सियाहों ने शुगरान का रुख कर लिया। ठंडा मौसम और बर्फ की चादर ओढ़े पहाड़, दिलकश और हसीन मनाजिर देखिए मोहम्मद फहीम की इस रिपोर्ट में। ठंड बढ़ते ही सियाहती मकाम शुगरान सिरिपाय की रौनकें भी बढ़ने लगीं। बर्फ पोश पहाड़ और खूबसूरत नज़ारे सियाहों को वेलकम कह रहे हैं। बच्चे बड़े सब हल्ला गुल्ला और मौज मस्ती में मसरूफ हैं। कोई निशानाबाजी तो कोई घुड़सवारी कर रहा है। कराची से आए हैं, हॉर्स राइड भी है, कैमल राइड भी है और यहाँ पर इतने अच्छे अच्छे पार्क्स भी हैं, होटल्स हैं, रेस्टोरेंट्स हैं। दूर दराज और बालाई इलाकों में हुकूमत ज्यादा से ज्यादा सहूलियात फराहम करके बैरून मुल्क से आए सियाहों को भी मतवज्जे कर सकती है। मोहम्मद फहीम, समा, शुगरान। शुगरान में सयाह सर्द मौसम का लुत्फ उठा रहे हैं तो हैदराबाद के शहरी सर्दी से बचने के लिए बटेर की यखनी पी रहे हैं, जो गर्म रखने के साथ साथ मरीजों के लिए शिफा भी है। इम्तियाज अली खावड़ की रिपोर्ट। ठंडी हवाएं चलते ही जहां गर्मा गर्म खाबों के धुएं उठना तेज हो जाते हैं, वहीं लतीफाबाद में बटेर की यखनी के रस्सिया भी खींचे चले आते हैं। शौकीन अफराद का कहना है कि बटेर की यखनी के बहुत फायदे हैं। बटेर की यखनी तैयार करने में खसूसी मसालों का इस्तेमाल उसका जायका और भी दुबाला कर देता है। सर्दियों में जो ना बहुत जबरदस्त चीज है, ये सीने के लिए, फालिज वालों के लिए बहुत अच्छी चीज है। इंडियल सिंध के बहुत लोग आते हैं मेरे पास अल्हम्दुलिल्लाह, और कराची से भी आते हैं कस्टमर्स। हजरात, यखनी पीने के शौकीन अफराद ना सिर्फ दूर दराज से लतीफाबाद आते हैं बल्कि दोस्तों और मेहमानों के लिए खास तौर पर लेकर जाते हैं। कैमरामैन जमील पठान के साथ इम्तियाज अली खावड़, समा, हैदराबाद।